to start from evaluation procedures today. So इसमें जो है सिंपली स्टेटिंग कि जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं उसमें असेसमेंट में उसकी लिस्टिंग होती है कि क्या क्या हमने यूज किया, और उसमें ये भी ऑब्वियसली होगा कि वो हमने क्यों यूज़ किया, क्या हमने फाइंड आउट करने के लिए उसको यूज़ किया। कि जैसे हम बोले कि हमने उसकी आईक्यू मेजर करने के लिए वेस्टलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल यूज़ किया, तो ऐसे एक रीज़न भी होना चाहिए। और अगर हम लीगल सेटिंग्स की बात करें तो उसमें ये भी मेंशन होना चाहिए कि डेट, किस डेट को यूज़ किया और उस इंस्ट्रूमेंट को एडमिनिस्टर करने में कितना टाइम लगा, जिसने एडमिनिस्टर किया वो कौन इंसान था, और अगर हमने कोई प्रीवियसली अवेलेबल रिकॉर्ड्स यूज़ किए, जैसे स्कूल का रिकॉर्ड है या पुलिस का रिकॉर्ड है या लीगल रिकॉर्ड है या मेडिकल रिकॉर्ड है या प्रोफेशनल रिकॉर्ड है वोकेशन का, तो वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हमने इससे इससे हेल्प ली है, कि भाई आईक्यू उसकी इतनी निकल के आई और हमने एकेडमिक रिकॉर्ड में भी देखा कि उसके जो है एकेडमिक अचीवमेंट अच्छे थे, और वॉट एवर अगर कॉन्ट्रडिक्टरी है तो वो भी हम लिख सकते हैं, डिपेंड करता है। और अगर हमने जो है कोई प्रीवियस रिपोर्ट पर रिलाई किया है, जैसे हो सकता है उसके बारे में जो हमारा क्लाइंट है उसके बारे में कोई रिपोर्ट अवेलेबल हो, कोई भी किसी भी तरह की हो सकती है, तो वो रिपोर्ट में जो ऑथर है उस ऑथर का नाम मेंशन करना जरूरी होता है कि किसकी रिपोर्ट पे हमने रिलाई किया है। तो लीगल प्रोसीडिंग्स में ये जरूरी होता है। सो दिस पार्ट इज अंडरस्टूड? यस यस। ओके, अब बिहेवियर ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन वेरियस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो अब सबसे इसमें जो नई चीज एक वो है कि अगर किसी का मान लो आईक्यू स्कोर लो आया और हमने सिंपली लिख दिया कि उसका आईक्यू स्कोर लो है, उसकी पुअर या एवरेज जो भी हमने लिख दी, लेकिन जब हम आईक्यू टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उस टाइम हम देख रहे हैं कि इसको जो है कोई मोटिवेशन नहीं है कि हायर अचीवमेंट का, कि ये टेस्ट में अच्छा करने की कोशिश कर रहा हो, कि ट्राइंग टू गिव हिज और हर बेस्ट, तो हमको वो बिहेवियर ऑब्जर्वेशन में लिखना पड़ेगा कि व्हाइल कंडक्टिंग आईक्यू स्कोर इट वाज सीन दैट ही और शी इज नॉट मोटिवेटेड फॉर एनी काइंड ऑफ हायर अचीवमेंट, है ना। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कोई उसमें कोर्ट केस वाला है तो उसको तो ये सूट करेगा कि उसके जो है आईक्यू लो आए ताकि उसको कोर्ट में एग्जम्पशन मिले, तो वो क्यों मोटिवेट होगा, नहीं मोटिवेट होगा, वो तो खराब परफॉर्म करने की कोशिश करेगा आईक्यू टेस्ट में। तो ये बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन में मेंशन करेंगे हम। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो कोई पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को काउंसलिंग के लिए लेके आए हैं करियर गाइडेंस के लिए। अब सपोज बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने में भी अच्छा है, लेकिन उसके माँ बाप चाहते हैं कि वो किसी और लाइन में जाए, लेट अस से कि डॉक्टर इंजीनियर बनने, और बच्चा म्यूजिशियन बनना चाहता है। तो अब जो उसका गाइडेंस के लिए लेके आए हैं तो उसमें गाइडेंस में तो सारा आईक्यू वगैरह भी टेस्ट होता है, तो उसमें जब टेस्ट करेंगे तो बच्चे को ये पता है कि आईक्यू मेरी हाई निकल के आएगी तो मुझे वही करियर बताए जाएंगे, तो वो उसमें क्यों अच्छा परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म ही जान के नहीं करेगा उन टेस्टों में, चाहे वो एप्टीट्यूड टेस्ट हो चाहे आईक्यू टेस्ट हो, उसमें वो पुअरली परफॉर्म करेगा जहाँ पे उसको लगेगा कि इससे जो है मेरे को उस तरफ भेजा जाएगा जो मैं बनना नहीं चाहता हूँ। तो ये बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन से हमको पता लग जाएगा, उनसे बातचीत कर रहे हैं तो बहुत शार्प है बच्चा, बहुत तेज़ी से कैच करता है बात को, रिप्लाई भी एक्यूरेट और प्रॉपर दे रहा है, एकेडमिक अचीवमेंट भी पुराने अच्छे, लेकिन आईक्यू स्कोर में एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है वो लो उसका स्कोर आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है जो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ है। तो इसलिए जो है जब हम बिहेवियर ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो हमको जो है जो कॉन्क्रीट चीज़ है बिहेवियर ऑब्जर्वेशन में वो हमें जो है मेंशन करनी चाहिए, ना कि एक एब्स्ट्रैक्शन लेवल का कंक्लूजन कोई बस अपनी ओपिनियन के रूप में। फॉर एग्जांपल हम ये इसमें लिख सकते हैं कि जो क्लाइंट है वो बहुत स्लोली मूव कर रहा था, या सेल्फ क्रिटिकल था, या हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम कर रहा था, ऐसे लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि क्लाइंट सीम्ड डिप्रेस्ड, तो वो वैसे नहीं लिखना है, जो एक्चुअली कॉन्क्रीट चीज हुई है वो मेंशन करनी है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। इन्फरेंस नहीं निकालना है, जो हुआ है वो लिखना है।
एंड जो इनकंसिस्टेंसीज हैं वो भी अपनी रिपोर्ट में लिखनी है। जैसे मैंने बताया ना कि एकेडमिक अचीवमेंट बहुत हाई है लेकिन आईक्यू में जो है उसका स्कोर बहुत पुअर आ रहा है। सो इस तरह की जो इनकंसिस्टेंसी है वो हमें पॉइंट आउट करनी है, इंक्लूडिंग बिहेवियर, कि वैसे तो बहुत शार्प है, अच्छी हर चीज़ को समझ जाता है, बातचीत का जवाब अच्छे से देता है, लेकिन जैसे ही कोई टेस्ट वाले जो है क्वेश्चंस करने को दिया जाते हैं तो उसमें इजी इजी क्वेश्चंस भी ये गलत कर देता है, तो इनकंसिस्टेंसी है। तो इसके अलावा जो है और भी डोमेन्स हैं बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस के, वो डिपेंड करता है ऑब्वियसली जो रेफरल क्वेश्चन है उसके अलावा भी। जैसे एक तो उसका एटीट्यूड कैसा है टूवर्ड्स एग्जामिनर एंड टेस्ट सिचुएशन, कि कोऑपरेटिव है अनकोऑपरेटिव है, टेस्ट से डर रहा है घबरा रहा है एंथुजियास्टिक है, वट एवर एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ, खुद के बारे में उसका क्या सोचना है कि मैं किसी लायक हूँ नहीं हूँ, और रिएक्शन टूवर्ड्स प्रेज, हम उसकी कोई तारीफ कर रहे हैं तो वो कैसा खुश हो रहा है नहीं हो रहा है, फ्लैटेंड इमोशंस हैं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, एंड रिएक्शन टू फेलियर, जैसे कोई चीज़ हम अटेम्प्ट करते हैं वो नहीं हुई तो नॉर्मली होना ये चाहिए कि नहीं हुई तो नहीं हुई कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे और बेटर तरीके से ट्राई करेंगे, या एक रिएक्शन ये भी हो सकता है कि फेलियर हुआ आ रही है तो मुझसे होगा नहीं छोड़ दो। तो रिएक्शन टू फेलियर में उसका क्या बिहेवियर है वो ऑब्जर्वेशन है। मोटर कोऑर्डिनेशन छोटी छोटी चीज़ों में दिख जाता है, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसा है, फाइन मोटर स्किल्स कैसे हैं, रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम जो है जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कितनी देर में जवाब दे रहा है, फिर जो उसकी स्पीच और लैंग्वेज है उससे भी जैसे कि कोहरेंट है कि नहीं है, वोकैबुलरी कैसी यूज़ कर रहा है, उसका लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कितना है वो जो भी बता रहा है, तो इस तरह से जो है हमें ये बिहेवियर ऑब्जर्वेशन में करना है। देन वी कम टू बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। सो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें हमको ऐसा पता चलती हैं जो क्लाइंट के लाइफ में हो रही है अभी, उनका पास में कोई कनेक्शन है, और जो पास वाला कनेक्शन है जब हमको पता नहीं चलेगा तो अभी वाली चीज़ों को हम नहीं जो है सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो अगर मान लो किसी को अभी कोई पैनिक अटैक आ रहा है और हमको पता है कि उसने जो है नहीं पता है कि उसने कोई ट्रॉमेटिक इवेंट पहले फेस किया हुआ है तो हमारा डिफरेंट रिएक्शन होगा, और अगर हमको पता है कि उसने कोई ट्रॉमेटिक इवेंट था तो उससे रिलेटेड कोई स्टिमुलस जो है अभी दिखाई दिया है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है तो हम उसको डिफरेंट तरीके से इंटरवेंशन देंगे, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन वगैरह देंगे। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बहुत होती है इंपॉर्टेंट क्लाइंट के बारे में, वो हिस्ट्री टेकिंग में इसीलिए ली जाती है। और जहाँ तक फिजिशियंस की बात है, फिजिशियंस मतलब जो नॉर्मल डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उनके पास ना तो इतना टाइम होता है कि वो पास इन्फॉर्मेशन को निकाल पाएँ और ना ही उनकी इतनी एक्सपर्टीज होती है, दे आर नॉट ट्रेन साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की उनको ये पता हो कि कैसे कैसे क्या बात करके कैसे निकलवाने हैं बातें, तो इसलिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो है बड़ी हेल्पफुल हो जाती है इन द मेडिकल कॉन्टेक्स्ट अगर कोई फिजिशियन इन्वॉल्व है तो। देन जो अगर हम बात करें तो इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो वो हमको लेनी चाहिए जो कि रेलेवेंट टू द रेफरल क्वेश्चन हो। अगर वो जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो इररेलेवेंट टू द रेफरल क्वेश्चन है तो उसको वो कोई ज़रूरत नहीं, बेकार है, किसी काम की नहीं है। जैसे मान लो कोई हमारे पास में वोकेशनल असेसमेंट के लिए आया और हम उसका जो है डेवलपमेंटल हिस्ट्री ले रहे हैं तो वो तो पॉइंटलेस है, कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री से क्या ले लेना, वोकेशन तो अभी प्रेजेंट में है ना, उसकी क्या कैपेबिलिटी है क्या नहीं है, जो भी डेवलपमेंटल लेवल प्रेजेंट का है वो इम्पॉर्टेंट है, बचपन में वो कितने साल में चलना शुरू किया था, कब बोलना शुरू किया था, वो वोकेशनल असेसमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, और जगह साइकोपैथोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है लेकिन वोकेशनल असेसमेंट में नहीं है। और अगर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा आया है तो फिर ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री के। और हमें ये हमेशा बताना पड़ेगा कि जब हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो कहाँ से आई है, एक क्लाइंट ने बताया है, किसी इन्फॉर्मेंट ने बताया है, किसी की रिपोर्ट में हमने देखा है, कोई प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे मिला है, तो वो सारी ये चीज़ें हमको मेंशन करनी पड़ेंगी अपने असेसमेंट में। तो कई जो है पॉसिबल डोमेन्स हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियसली ऑन द रेफरल क्वेश्चन।
तो वो कौन कौन से, जैसे मेडिकल हिस्ट्री है, वोकेशनल ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में सब कुछ, इन्फेंसी से अर्ली मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अर्ली मिडिल अडल्टहुड, लेट अडल्टहुड सब आएगा। फिर जैसे उसको किसी चीज़ों से फियर्स तो नहीं है, पूछा जाता है क्लाइंट से, आपको किसी से बहुत ज़्यादा डर तो, थोड़ा बहुत डर तो हर एक को किसी ना किसी चीज़ से लगता है, वो नॉर्मल है, कि वो पैनिक या फोबिक लेवल का जो है या एवर्शन लेवल का जो है कोई फियर हो। फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने बारे में क्या सोचते हैं, सोचता है इंसान। कोई रिकरिंग बार बार आने वाली ड्रीम है, कोई खास मेमोरी है जो हॉन्ट करती है उसको, या बहुत फॉन्ड मेमोरी है, इधर वे इट कुड बी। फॉन्ड मेमोरी भी पूछी जाती है, क्योंकि जब हम वो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन करते हैं ना, तो उसमें उसको इमेजिन करने के लिए बोल सकते हैं वो फॉन्ड मेमोरी को, तो वो ऑलरेडी एक अवेलेबल उसका इमोशनल कनेक्शन है पॉजिटिव वाला अवेलेबल, तो वो बॉडी को काम करने में काम आएगा। और जो एडवर्स स्पेसिफिक मेमोरीज हैं वो हमको बताएंगी कि वो किन किन चीज़ों से उसको अवॉइड करना है, क्या क्या ट्रिगर्स उसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। फिर आता है टेस्ट रिजल्ट्स वाला, तो इसमें जो है हमने जो एक्चुअल स्कोर्स हैं उसके टेस्ट में, वो तो हमने ऑब्वियसली देने ही देने हैं, लेकिन उसके जो रिजल्ट हैं उसको हमने कल बात करी थी कि परसेंटाइल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि व्हेन दे आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटाइल देन दे मेक बेटर सेंस। अगर वो परसेंटाइल में नहीं है तो उतना समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब है। अगर हमने आईक्यू का एक स्कोर मेंशन कर दिया, ये इतना टोटल ओवरऑल स्कोर आया है, लेकिन अगर वो परसेंटाइल रैंक में मेंशन है तो बेटर, परसेंटाइल रैंक से 51 है या 96 है, तो हमको पता लग जाएगा कि अच्छा ये स्कोर डिफरेंस का मतलब ये परसेंटाइल रैंक है, तो ओवरऑल जनरल पॉपुलेशन में दिस पर्सन स्टैंड्स हेयर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर एक और भी स्ट्रेटजी है टेस्ट रिजल्ट्स की, हो सकती है कि जो हमने टेस्ट दिए हैं उसके स्कोर्स को हम हाई लो या एवरेज में कन्वर्ट करके, और जैसे सेल्फ एस्टीम का हमने कोई मेजरमेंट किया है, तो उसमें जो भी स्कोर है उसके हिसाब से वहाँ परसेंटाइल तो मिलेगा नहीं, वहाँ जो है जो भी स्कोर है उसको हाई मीडियम लो में हम एवरेज वेरी हाई जो भी डिपेंड करता है वैसे हम कर सकते हैं। और साथ में अगर जहाँ ज़रूरत हो या पॉसिबल हो वहाँ पे हम इस टाइप की कैटेगरीज भी डाल सकते हैं कि इम्पेयर्ड है या सुपीरियर है या डिसफंक्शनल है। इम्पेयर्ड मतलब वो काम नहीं कर रही, ढंग से प्रॉब्लम आ रही है, सुपीरियर मतलब बहुत अच्छी है, और डिसफंक्शनल मतलब बिल्कुल काम नहीं कर रही है, ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो ये भी हम जो है टेस्ट स्कोर के साथ में लिख सकते हैं, जैसे आई क्यू जो है किसी की मान लो 140 आई, तो हम उसमें लिख देंगे सुपीरियर है, और उसकी लेटर से कि 110 आई तो एवरेज है, ऐसे लिख सकते हैं। परसेंटाइल रैंक में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि रेफरल क्वेश्चन क्या है। तो ये टेस्ट रिजल्ट्स जो होते हैं वो रिपोर्ट में एज एन अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स मतलब लास्ट में लगे होते हैं, और एक्चुअल टेस्ट डाटा इसमें जो है बहुत बार इंक्लूड नहीं किया जाता है। मैंने बोला टेस्ट डाटा, स्कोर नहीं बोला, टेस्ट डाटा। एक्चुअल टेस्ट डाटा का मतलब मान लो कई सारे जो है क्वेश्चंस पूछे गए, तो हर क्वेश्चन का उसने क्या आंसर दिया वो मेंशन करना ज़रूरी नहीं है रिजल्ट में। ओवरऑल स्कोर क्या है और उसका जो है परसेंटाइल रैंक जहाँ पे एप्लीकेबल है वो बता सकते हैं, हाई मीडियम लो इम्पेयर्ड सुपीरियर डिसफंक्शनल ये लिख सकते हैं। और कई बार तो एक्चुअल टेस्ट स्कोर भी एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रेफरल क्वेश्चन, कि भाई हमें सिर्फ इतना पता करना है कि हम सपोज हम कोई एक स्कूल खोल रहे हैं, उस स्कूल में जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए वो स्कूल है, तो जब गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए वो स्कूल है तो उसमें जो बिलो एवरेज एवरेज ये तो बच्चे एडमिशन ले नहीं सकते, अगर ले भी लेंगे तो वहाँ चलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत हायर लेवल पे चलेंगे बाकी के बच्चे, तो हमको वहाँ पर सुपीरियर जो है आई क्यू वाले चाहिए। तो हम जो है जो भी अपना असेसमेंट करवाएंगे तो बोलेंगे हमें सुपीरियर आई क्यू वाले बच्चे चाहिए, तो हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है। तो जो असेसमेंट कर रहा होगा वो टेस्ट रिजल्ट में खाली जो है आई क्यू सुपीरियर लिख देगा, कि स्कोर के हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें सुपीरियर चाहिए। सो ऐसा भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ूँ मैं? यस सर प्लीज। ठीक है,
नाउ कम्स इम्प्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन. तो जो मेन बॉडी रिपोर्ट होती है रिपोर्ट की, उसमें आता है इम्प्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन. तो इसमें बेसिकली क्या कर रहे थे हम, जो फाइंडिंग्स उसको इंटीग्रेट कर रहे थे, एक साथ कर रहे होते हैं. तो इसमें जो है केवल टेस्ट स्कोर के बेसिस पे हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे थे. जो हमने अभी बात की थी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन की, उसकी रेलेवेंट हिस्ट्री की, उसके रेलेवेंट रिकॉर्ड की, जो भी हमें जो है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई एडिशनल डाटा कोई भी मिला हो कहीं से, वो सारा जो है हम इंटीग्रेट करके इस सेक्शन में लिख रहे थे, इंप्रेशंस एंड इंटरप्रिटेशन. एंड ऑब्वियसली जो इस जो पार्ट में जो हम डोमेन सेलेक्ट करेंगे, तो वो रेफरल क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेगा. तो जैसे एबिलिटी है, आईक्यू है, ये जनरली नॉर्मली काफ़ी जगह यूज़ होता है, इसका जो है अधिकतर जगह यूज़ होता है. तो वही एवरेज, सुपीरियर, लो, क्या है आईक्यू, वो मेंशन करना है हमें. और हमें यहाँ पे एक चीज़ और भी चीज़ मेंशन करनी चाहिए इस पर्टिकुलर जगह पे, कि जो भी टेस्ट हमने यूज़ किया है, कोई भी टेस्ट जो है ऐसा नहीं होता फुल प्रूफ होता है कि उसमें कोई मिस्टेक के चांस ही नहीं है, या 100% एक्यूरेसी है, या हर कॉन्टेक्स्ट में ये लागू होता है. अगर जो है कोई उसमें एक्सेप्शंस हैं, या उसमें एरर्स की पॉसिबिलिटी है, या एक्यूरेसी लिमिटेड है, तो वो चीज़ हमें यहाँ मेंशन करनी चाहिए, ताकि रिपोर्ट पढ़ने वाला ये ना सोचे कि जो टेस्ट है ये तो एब्सोल्यूट है, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं, उसके बेसिस पर डिसीजन ले ले, और जबकि वो उसमें एरर की पॉसिबिलिटी है. तो इसलिए वो मेंशन करना भी ज़रूरी है. तो अब अगर हम बात करें कि अगर इंटेलेक्चुअल या अचीवमेंट टाइप का रेफरल हो, कि हमसे कोई क्लाइंट को भेज रहा है कि हमें इसका इंटेलेक्चुअल और अचीवमेंट का पता करना है, तो फिर ऑब्वियसली कॉग्निटिव एबिलिटी तो आएंगी आएंगी उसमें सारी की सारी जो भी हैं, और जो क्लाइंट की स्पेसिफिक स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, अभी तक का अचीवमेंट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, लर्निंग स्टाइल क्या है. लर्निंग स्टाइल जैसे कोई लोग सुन के ज़्यादा बेटर सीखते हैं, कोई पढ़ के ज़्यादा सीखता है, कोई देख के बेटर सीखता है, कोई कर के बेटर सीखता है, कोई मल्टीपल तरीके से एक साथ ऑडियो विजुअल प्लस करना तभी सीखता है, तो उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, कि रटने वाला है, कि कॉन्सेप्ट को समझने वाला है, इस तरह से उसके इंटरेस्ट क्या है, और पॉसिबल वोकेशनल इंटरेस्ट क्या है. कई बार क्या होता है, जैसे समय के साथ जो है चेंजेस आते हैं ह्यूमन बींग्स में, सभी में आते हैं, तो अभी कोई चीज़ अच्छी लग रही हो सकता है आगे जो है वो अच्छी चीज़ ना लगे, तो वो भी जो है क्योंकि कई चीज़ें आगे हो सकती है, तो इसलिए जो भी उसके पॉसिबल वोकेशनल इंटरेस्ट हैं वो एक से ज़्यादा भी हम मैंशन कर सकते हैं. तो अब जहाँ तक न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिपोर्ट की बात करें, तो उनको जो है लर्निंग, मेमोरी, लैंग्वेज फंक्शन, जैसे लैंग्वेज प्रोडक्शन है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, वो वर्निकेज एरिया, बोकाज एरिया, इनके बारे में बताते हैं. अटेंशन कितना है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन ब्रेन के जो है फ्रंटल लोब है वो कैसे काम कर रहा है, इमोशनल फंक्शनिंग कैसी है, कि बहुत इमोशनल लेबिलिटी है, या बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, या फ्लैटेंड इमोशंस हैं, ये सब जो है हमें देखना होगा. और कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन के लिए क्या जो है स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ये सब न्यूरोसाइकोलॉजिकल वाले केस में हो गया. देन कम्स समरी एंड रिकमेंडेशन. तो जो अधिकतर जो लोग होते हैं वो सीधे रिपोर्ट के इसी सेक्शन में आते हैं, रिपोर्ट को समझने के लिए, रिपोर्ट को जानने के लिए, और ये इसीलिए ये सबसे मोस्ट वैल्यूएबल सेक्शन होता है रिपोर्ट का. तो इसमें जो है जो कंक्लूजन्स हैं वो लिखे जाते हैं, कि भाई सब कुछ देखने के बाद में, इंटीग्रेट करने के बाद में किस कंक्लूजन पे पहुंचा जाए. और जो इसी सेक्शन में जो रेफरल क्वेश्चंस हैं उनको आंसर किया जाता है, जो भी रेफरल क्वेश्चन थे जो हमने क्लैरिफिकेशन करके क्लाइंट से रेफरल क्वेश्चंस बनाए थे, उनको यहाँ पे आंसर किया जाता है. और साथ ही जो पॉसिबल सजेशंस हैं या अप्रोप्रिएट सजेशंस हैं, फोकस सजेशंस, फोकस मतलब बिल्कुल पिन पॉइंटेड, वो सजेशंस जो है यहाँ पे लिखे जाते हैं. तो इस जो जिसने रेफरिंग पार्टी होती है, जिसने रेफर किया होता है, जिसने रेफरल क्वेश्चन पूछा था, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. और इस सेक्शन के लेकिन तभी इम्पोर्टेंस है अगर हमारे जो भी रिकमेंडेशन हैं वो हाईली स्पेसिफिक हों, रादर देन जनरल से हों.
अगर जनरल होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। जैसे अगर हमने खाली ये उसमें जो है रिकमेंडेशन किया, इट इज़ रिकमेंडेड दैट क्लाइंट शुड बी गिवन इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, तो ये जनरल सा हुआ, इसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं हुई। लेकिन हम यही चीज़ को अगर ऐसे लिखें कि क्लाइंट को जो है वीकली एक सेशन देने से बहुत बेनिफिट होगा, और जो साइकोथेरेपी में जो हम ये स्ट्रेटजीज यूज़ करें कि उसका जो सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस है, उसका जो इमोशनल सोशल सपोर्ट, उसका जो सोशल सपोर्ट है वो एनहेंस करें, उसका लेवल ऑफ अवेयरनेस इंक्रीज करें, और उसका सेल्फ डिफीटिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर है वो जो है इम्प्रूव करें, मतलब ख़त्म करें, और उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें, तो ये स्पेसिफिक हुआ। सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द क्लिनिशियन की करना क्या चाहिए। और एक बार रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में ये नहीं कि काम खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर रेफरल सोर्स से फिर भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं, एडवाइजेबल है कि हम उसका भी फीडबैक ले सकें और अपना भी दे सकें, ताकि एक्यूरेसी और यूजफुलनेस बनी रहे रिपोर्ट की। हो सकता है हमने कुछ ऐसा लिखा हो जो उसको वो मिस इंटरप्रेट कर रहा हो या उसकी समझ में ही ना आ रहा हो, तो वो क्लैरिफाई कर लेगा अगर हम टच में रहेंगे तो। और क्योंकि इसी के बेसिस पे वो जो भी करेगा डिसीजन लेगा, इसी के बेसिस पे लेगा, तो इम्प्लीमेंटेशन में भी जो है हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, जो रिकमेंडेशन हमने दी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है इस पर भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट समरी एंड रिकमेंडेशन। ये अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे सैंपल फॉर्मेट में आता हूँ। इज इट क्लियर सो फार? यस सर, अंडरस्टूड। सो सैंपल फॉर्मेट में जो है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, स्टार्टिंग में डेमोग्राफिक डाटा लिखा हुआ है ना। अब ये देखना, अपनी रिपोर्ट में हमेशा ऐसे इंस्टेड ऑफ रीजन फॉर रेफरल हमें लिखना चाहिए पर्पज़ फॉर इवेल्यूएशन, क्योंकि अगर हम रीजन फॉर रेफरल लिखेंगे ना तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है हमारा स्कोप। अब पर्पज़ फॉर इवेल्यूएशन में कि अगर जैसे उसने रेफरल किया कि इसकी आई क्यू पता करनी है, तो ये आप खाली आई क्यू के अलावा कुछ लिख ही नहीं सकते हैं, यही रीजन फॉर रेफरल है। लेकिन वो आई क्यू क्यों मेजर करना चाहते हैं, अगर हमें ये पता लग जाए तो वो पर्पज़ फॉर इवेल्यूएशन में आ गया, वो वाइडर हो गया स्कोप, कि भाई हमें इसका वोकेशन डिसाइड करना है। तो वोकेशन डिसाइड करना है तो अब ये वाइडर हो गया, तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है जो रेफरल वाले इंसान को, तब तो फिर रीज़न फॉर रेफरल होता है, और हमें वाइडर लेवल पे जो है अगर डिसीजन लेने हैं तो फिर पर्पस फॉर इवेल्यूएशन। इसलिए ऑलवेज बेटर टू राइट पर्पस फॉर इवेल्यूएशन। तो स्टार्टिंग वही जो है डेमोग्राफिक पिक्चर से, डेमोग्राफिक पिक्चर में उसका वही जो है एज है, जेंडर है, कितने साल की एजुकेशन उसने ली है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, कभी डिप्रेस रहा है या रही है, ये सब है। सो यहाँ से हमको पता चलता है जो पर्पस फॉर इवेल्यूएशन से, कि हमारी रिपोर्ट में आगे क्या होने वाला, क्या डिस्कस होने वाला, क्या एड्रेस करेंगे हम अपनी रिपोर्ट में। तो इसलिए यहाँ पे जो है एक तरह से अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है कि आगे हमें क्या मिलने वाला है। सो इसमें जो है हमें जो भी एक क्वेश्चन ऐसे पोज करना है, जो भी हमारी बातें हैं ऐसे करना है कि उसका आंसर समरी में मिले, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया समरी एंड रिकमेंडेशन। तो ये पर्पस फॉर इवेल्यूएशन में वो चीज़ें आएंगी जिनका आंसर समरी एंड रिकमेंडेशन में मिलेगा। इज दिस पॉइंट अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा, अब ये भी एक चीज़ है कि हमेशा ये इवेल्यूएशन ऐसा नहीं है कि एक घंटे में हो जाए या एक दिन में भी हो जाए, कई बार कई दिन लगते हैं। तो उसमें जो है हमें जो क्लाइंट का जो चार्ट है उसमें प्रोग्रेस नोट डालना चाहिए कि भाई अभी यहाँ तक ये टेस्ट हो गए हैं, ये रिजल्ट हैं, और बाकी जो इनको इंटीग्रेट करके इवेल्यूएशन में इतना टाइम अभी लगेगा, ताकि कम से कम जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट है उसके बेसिस पे आगे तो बढ़ते रहें। दैट इज़ द पर्पस। फाइनल तो रिपोर्ट बनेगी तभी कुछ होगा, लेकिन जो प्रिलिमिनरी जो भी रिपोर्ट्स आती है वो उसमें डालते रहना चाहिए, ये नहीं कि सब एक साथ हो जाएगा फिर देखेंगे, ऐसा नहीं। तो अब जो है नेक्स्ट हेडिंग होनी चाहिए असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट एडमिनिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, असेसमेंट प्रोसीजर होनी चाहिए,
क्योंकि अगर खाली टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर लिखा तो उसमें तो फिर हमको वही वाली जो लोएस्ट लेवल वाली रिपोर्ट होगी वो बन गई, क्या टेस्ट है उनके क्या रिपोर्ट है। असेसमेंट प्रोसीजर में फिर हम एक्सप्लेन करेंगे ना कि हमने क्या चीज़ पता करनी थी, उसको पता करने के लिए हमने कौन सा टेस्ट सेलेक्ट किया, क्यों किया और उसकी रिपोर्ट से हम क्या पता कर पाएंगे। तो ये असेसमेंट प्रोसीजर हो गया, तो इससे हमारा जो डिस्कशन वाइडर हो जाता है, प्लस हमें अपने जो क्लिनिकल एक्सपर्टीज है उसको जो है उसमें शामिल करना की पॉसिबिलिटी हो जाती है। जैसे कि वोकेशन वाली बात की कि भाई वोकेशन इसका क्या हो, ये हमने जो है हमारा रीजन था फॉर इवैल्यूएशन। तो अब हम असेसमेंट प्रोसीजर में लिखेंगे हमने उसका एप्टीट्यूड टेस्ट इसलिए किया क्योंकि एप्टीट्यूड ही अगर उसका नेगेटिव हुआ किसी प्रोफेशन में तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो प्रॉपर एप्टीट्यूड पता करने के लिए, अगर एटीट्यूड क्या है उसका वो पता करने के लिए, आईक्यू क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसकी बैकग्राउंड क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है, उस प्रोफेशन में कोई उसकी फैमिली में रहा है नहीं रहा है, उसकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है कि वो एजुकेशन को अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ऐसे हम सारा एक लॉजिकली एक सेटअप जो है बना के बता सकते हैं क्या क्या टेस्ट हमने क्यों किए थे। और इसके साथ में एक एडवांटेज और भी हो जाता है कि असेसमेंट प्रोसीजर में करने से जो मेंटल स्टेटस एग्ज़ाम है जो कि कोई टेस्ट नहीं होता है, और क्लिनिकल इंटरव्यू अगेन वो भी कोई टेस्ट नहीं होता है, तो उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें वंस वी डिस्क्राइब इट एज असेसमेंट प्रोसीजर। तो एक और भी इससे जो है बात होती है, पता चलती है अच्छी, जब कोई रिपोर्ट पड़ेगा तो उसको लगेगा कि हाँ जो क्लिनिशियन है उसने अपने प्रोफेशनल इवेल्यूशन किया सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करके। जैसे जहाँ पे ये मेरा कर्सर है अभी देखोगे तो उसने ये क्या क्या टेस्ट है वो सारे मेंशन किए हुए हैं, इसमें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी मेंशन किया हुआ है, जबकि ये कोई टेस्ट नहीं है, ये तो डायग्नोसिस के लिए जनरली यूज़ किया जाता है, इट इज़ नॉट ए टेस्ट एक्चुअली। हाँ मिनी मेंटल स्टेट जो होता है, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन वो टेस्ट होता है, उसमें स्कोरिंग होती है, तो वो दैट इज़ अ टेस्ट, बट मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन इज नॉट अ टेस्ट। तो ये देखो क्लिनिकल इंटरव्यू भी यहाँ पे मेंशनड है जबकि ये कोई टेस्ट नहीं है। देन रिव्यू ऑफ प्रायर मेडिकल रिकॉर्ड, ये भी कोई टेस्ट नहीं है पर यहाँ पे मेंशनड है। रिव्यू ऑफ प्रायर साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये भी है जबकि ये कोई टेस्ट नहीं है। तो ये सब इसीलिए इंक्लूड हो पाया क्योंकि वी हैव यूज द वर्ड असेसमेंट प्रोसीजर रादर देन टेस्ट एडमिनिस्टर्ड। तो इसमें वो भी हम मेंशन करते हैं कि कितने आवर की टेस्टिंग हुई, जो डायग्नोस्टिक इंटरव्यू कितनी देर का चला, किसने किया, उसकी डिग्रीज क्या है या क्वालिफिकेशन क्या है, किसने इंटरप्रेट किया है, अगर एक से ज़्यादा लोगों से इंटरप्रेट कराया तो दोनों के या तीनों के नाम होने चाहिए। इंटरप्रेटर रिलायबिलिटी के लिए कई बार एक से ज़्यादा लोगों से हम असेसमेंट करवाते हैं, इंटरप्रेट करवाते हैं, तो वो भी है। सो दिस इज़ वाई वी शुड यूज़ द वर्ड असेसमेंट प्रोसीजर। सो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि everything revolves around, including background information, revolves around referral question. तो जो हमारा purpose of evaluation जो हमने discuss किया था उसी के basis पे वो यहाँ पे वो background information ले रहा है, whether it's family, social, legal, medical, mental health, जो भी है। फिर इसमें जो है background information, एक ये भी important चीज़ है कि चीज़ों को जो ना chronological जहाँ पे possible है और जहाँ ज़रूरत है ख़ास तौर से क्रोनोलॉजिकली मेंशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट मेंटली इल भी है और लेटर से सब्सटेंस अब्यूज़ भी कर रहा है, तो अगर हम क्रोनोलॉजिकली लिखेंगे कि पहले मेंटल इलनेस आई या पहले सब्सटेंस अब्यूज़ शुरू हुआ फिर मेंटल इलनेस आई, तो वो हमको हेल्प करेगा इंटरवेंशन में, ट्रीटमेंट में। अगर ये लिख दिया कि केवल उसको जो है मेंटल इलनेस भी है और सब्सटेंस अब्यूज़ भी करता है तो उतना हेल्पफुल नहीं है। और लाइफ के इंसिडेंसेस भी अगर क्रोनोलॉजिकली मेंशन करेंगे, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस पहले हुआ फिर पीटीएसडी हुआ, या पहले जो है पैनिक अटैक आने शुरू हुए बाद में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, तो डिपेंड करता है, तो वो भी हमें मेंशन करना चाहिए। तो अगर पहले कोई इंटरवेंशन या मेडिकेशन दिया गया था तो वो भी मेंशन करना चाहिए, वो सक्सेसफुल रहा नहीं रहा, सक्सेसफुल रहा तो कितना रहा, ये भी मेंशन करना। उससे क्या होता है कि काफ़ी कट शॉर्ट हो जाता है टाइमिंग इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट का।
अगर कोई पास्ट में इंटरवेंशन सक्सेसफुल रहा है तो हमें क्या ज़रूरत है नई कोई चीज़ करने की, हम वो इंटरवेंशन दे देंगे। और वी नो कि कोई जैसे मेडिसिन है उससे वो एलर्जिक है पास्ट के हमें पता है, तो वो मेडिसिन देने की ज़रूरत क्या है, टाइम भी सेव होगा उसकी लाइफ भी सेव होगी। तो इसलिए वो चीज़ें मेंशन करनी चाहिए इन ए क्रोनोलॉजिकल मैनर। तो वी शुड ट्राई टू रेप्लिकेट द प्रायर सक्सेस, मतलब पहले जो जिन चीज़ों में सफलता मिली है उसकी कंडीशन इम्प्रूव करने में उसको रेप्लिकेट करो, और अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ प्रायर ट्रीटमेंट फेलियर्स, पहले हमने कुछ ट्राई किया और फेल रहा है तो उसको अवॉइड करो। तो और जो पेशेंट का बिहेवियर जो है इन बिटवीन इंटरवेंशन कैसा रहा है वो भी हमने मेंशन करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है उसकी एडेप्टिव फंक्शनिंग के बारे में पता चलेगा। मतलब पहले 2 बार इंटरवेंशन दिया गया था तो उन दोनों इंटरवेंशन के बीच में जो है क्लाइंट कैसा रहा था, कि भाई इम्प्रूव्ड रहा था, नहीं रहा था, या धीरे धीरे खराब होती गई थी कंडीशन, या बहुत तेजी से खराब हुई, जो भी है। तो पिछले जो इंटरवेंशंस के इन बिटवीन क्या था उसका एडेप्टिव फंक्शनिंग वो भी मेंशन हमें करना चाहिए। और ये सारे डिटेल्स जो है हमको क्या बताएंगे कि हमारा टारगेट लेवल क्या होगा एडेप्टिव फंक्शनिंग का, भाई जो ओरिजिनली वो था उससे ज़्यादा तो अच्छा हम नहीं बना सकते हैं ना। तो अगर वो उसका जो भी ओरिजिनल लेवल ऑफ एडेप्टिव फंक्शनिंग था वहाँ तक या उसके आसपास पहुँच गया तो टारगेट अचीव हो गया है, तो वो हमको गोल सेटिंग में भी हेल्पफुल होता है। फिर अगर हम एंड सेक्शन की बात करें, समराइजिंग स्टाफ ऑब्जर्व, इसमें जो ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सारी जो है इंफॉर्मेशन जो है क्लाइंट के बारे में स्टाफ से भी हमको मिलती है। मैं एम टॉकिंग अबाउट जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो वहाँ पे जो नर्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, उनसे बहुत सारी हमको पेशेंट के बिहेवियर के बारे में, उसके लेवल ऑफ मोटिवेशन के बारे में, जो करंट एडमिशन है मतलब अभी जो हॉस्पिटलाइजेशन चल रहा है उससे हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उनकी ऑब्जर्वेशन भी लिखनी चाहिए कि हमेशा चुप रहता है या हमेशा बोलता ही रहता है या एकदम छत को घूरता रहता है या इसका अटेंशन जो है बहुत तेज़ी से इधर उधर हो जाता है। तो ये बहुत ऑब्जेक्टिव हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है और प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि वो सब ट्रेंड होते हैं, नर्सेस वगैरह जो हैं हॉस्पिटल में दे आर ट्रेंड फॉर सच थिंग्स, तो उनकी ऑब्जर्वेशन जो है बहुत प्रोफेशनल होती है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हम बात कर ही चुके हैं। हाँ, इसमें जो है एक नई चीज़ और नई क्या मतलब इट इज़ काइंड ऑफ एडिशन टू व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि हमें मूड और अफेक्ट दोनों लिखना होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में, हमें बात की हुई है। पर वो मूड और अफेक्ट उससे सिर्फ पूछ के नहीं लिखना, उससे पूछना है लेकिन अपना भी असेसमेंट करना है कि बस पेशेंट ने बोला और हमने लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब पेशेंट से बात कर रहे हैं तो अपनी ओपिनियन भी होनी चाहिए, पेशेंट की ओपिनियन से नहीं लिखना है सिर्फ। और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है और टेस्ट इन्फॉर्मेशन को मिक्सअप नहीं करना है, टेस्ट और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अलग चीज़ है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन अलग चीज़ है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में की रिपोर्ट में हमको सिर्फ वही चीज़ें मेंशन करनी है जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के दौरान हमने देखी हैं या हमने चेक किया है, जिन चीज़ों को वही मेंशन करना है। बाकी के टेस्ट रिपोर्ट्स और दूसरी जो चीज़ें हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे क्लब करके नहीं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में लिखना है, वो अलग रहेंगी बाकी की चीज़ें। तो अब जैसे हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में लिखेंगे वो अलर्ट है, अटेंटिव है, कि डिस्ट्रैक्टेबिलिटी है या नहीं है, या बातचीत को बढ़िया से जो है ट्रैक कर रहा है, एकदम सीक्वेंस में डिस्कशन करता चला गया, इस टाइप की चीज़ें होंगी। तो ये है। अब रिजल्ट ऑफ इवेल्युएशन की बात करें, ये हम पहले बात कर चुके हैं, पर्पस फॉर इवेल्युएशन जो है हमने लिखा था उसको ये आंसर करना होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए रिजल्ट ऑफ इवेल्युएशन में। तो इसमें थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल इश्यूज जो है वो आते हैं, थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल जो इंटीग्रेट करेंगे हम सारे डाटा को, इंक्लूडिंग मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन और जो अलग अलग टेस्ट हैं जिनसे हमें डाटा मिला वो भी। अब जैसे कि एग्जाम्पल, इसमें जो हम स्पेसिफिक बातें मेंशन नहीं करते हैं, रिजल्ट ऑफ इवेल्युएशन में हम स्पेसिफिक बातें मेंशन नहीं करते हैं, बहुत रेयरली होगा कि मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर
जो MMPI का जो स्केल 2 है उसके में मान लो कोई वो निगेटिव आ रहा है कि कोई पैथोलॉजी का आ रही, तो हम ऐसे मेंशन नहीं करेंगे कि भाई MMPI के स्केल 2 में ये डिप्रेशन का पेशेंट है, ऐसे नहीं। अगर जो है हमने कोई और भी तो टेस्ट करेंगे ना, तो हम जैसे मिलियन क्लिनिकल जो मल्टी एक्सियल इन्वेंट्री है, MCMI जिसे शॉर्ट में कहते हैं, तो डिस्थाइमिया का स्केल है वो भी हमने एडमिनिस्टर किया, तो MMPI का 2 स्केल 2 और उसका MCMI 3 का जो है डिस्थाइमिया स्केल, ये आपस में मैच कर रहे हैं। प्लस हमने जो जब उससे क्लिनिकल इंटरव्यू लिया था या मेसी किया था उससे भी मैच कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि भाई हाँ इन चीज़ों से लगता है कि इसको डिप्रेशन है। तो जब हम डिप्रेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे फिर हम उसको सपोर्ट करने के लिए स्पेसिफिक बातें लिखेंगे, अदरवाइज स्पेसिफिक बातें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब नाउ समरी एंड रिकमेंडेशन जो हम बात कर चुके हैं, दिस विल बी आंसरिंग ऑल द रेफरल क्वेश्चंस। तो इसमें जो है जो DSM के जो डायग्नोस्टिक इम्प्रेशन है वो तो हम इंक्लूड कर सकते हैं कि DSM के हिसाब से जो जो होना चाहिए डायग्नोसिस के लिए वो है, तो लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो पेशेंट का जो साइकोलॉजिकल मेकअप है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चलो डिप्रेशन तो है लेकिन उसको डिप्रेशन से बाहर आने की इच्छा है कि नहीं है, ये भी एक इम्पोर्टेंट मेकअप वाली बात हुई ना। या जो उसको एंग्जाइटी तो है लेकिन वो एंग्जाइटी की उसको इनसाइट है, ये भी तो हो सकता है एंग्जाइटी है लेकिन दूसरों को गलत बोल रहा है, खुद को हमेशा सही मान रहा है तो इनसाइट नहीं है। तो ये चीज़ें जो है उसका साइकोलॉजिकल मेकअप जो बताती हैं चीज़ें वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वही हेल्पफुल होती है इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट में। तो उसके जो अगर मैं कोई DSM का लेबल यूज़ किया, लेबल मतलब जो उसके डायग्नोसिस के हिसाब से कि ये प्रॉब्लम है, अगर हमने वो यूज़ किया है तो उसके साथ में हमें जो है डिटेल भी बताना पड़ेगा रिपोर्ट में कि हम क्यों इस कंक्लूजन पे पहुँचे, क्या क्या चीज़ें हमने देखी जिससे कि हमें ये पता चला, और साथ ही अगर कोई रिकमेंडेशन है ट्रीटमेंट की तो वो भी हम इसमें मेंशन करेंगे, तब जाके ये रिपोर्ट जो है पूरी होगी। तो अब जैसे कि इन्होंने ये इस जो रिपोर्ट में दिया है जहाँ मेरा कर्सर है, द पेशेंट अपियर्स टू बी अटेम्पटिंग टू कोप विद दिस इलनेस यूजिंग एक्सट्रीम गार्डेडनेस एंड विदड्रॉल, ये उसका साइकोलॉजिकल मेकअप हुआ कि जो उसको प्रॉब्लम है उससे कैसे कोप कर रहा है कि एक्सट्रीम गार्डेडनेस बिल्कुल मतलब हमेशा अलर्ट है, उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा है, अवॉइड कर रहा है, या उसके बारे में कोई बात होती है एकदम जो एक्साइट हो जाता है, ठीक है। एंड विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब कि वो बिल्कुल किसी से संपर्क नहीं करता, अकेले रहता है, ये हो गया। तो अब ये चीज़ जो है हमको हेल्प करेगी उसका ट्रीटमेंट डिजाइन करने में। और दूसरा ये देखो आगे लिखा है, ड्यूरिंग रिसेंट मंथ ही हैज शोन नो साइंस ऑफ एग्रेसिव आइडिएशन, तो ये रिसेंट मंथ्स में जो है कोई एग्रेसिव चीज़ उसने नहीं की, यानी कि एग्रेशन तो नहीं है। एंड इज नॉट बिलीव टू बी फिजिकल रिस्क टू हिमसेल्फ और अदर्स एट प्रेजेंट, यानी कि सुसाइडल रिस्क भी नहीं है और किसी का मर्डर भी वो या किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकता है, तो डेंजरस नहीं है वॉयलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो है इससे रिपोर्ट से हमको पता लग जाता है, तो हमको अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकते हैं। सो दिस इज हाउ जो समरी और रिकमेंडेशन उसमें लिखना है। अब जैसे हमने रिकमेंडेशन भी देने हैं ना कि करना क्या है, जैसे इसमें लिखा है कि इंडिविजुअल थेरेपी विल बी मोर प्रोडक्टिव देन ग्रुप इंटरवेंशन, पीछे लिखा था ना वो गार्डेड है विड्रॉन है, तो जो आदमी गार्डेड है किसी से बात ही नहीं करना चाह रहा है, विड्रॉन है, मिलता जुलता ही नहीं, तो ग्रुप थेरेपी में कहाँ पार्टिसिपेट करेगा। तो इसको इसीलिए कंपेयर टू ग्रुप थेरेपी इंडिविजुअल थेरेपी ज़्यादा बेनिफिट करेगी, और जब वो जब इंडिविजुअल थेरेपी में थोड़ा रिलैक्स हो जाए तब फिर उसके साइको सोशल इश्यूज जो है प्रेजेंट टाइम के वो डिस्कस किया है, कि अभी इतना गार्डेड है वो कोई बात ही नहीं करेगा किसी चीज़ में, जो भी उसके प्रॉब्लम्स है उसके बारे में गार्डेड है, वो उसको डिस्कस नहीं कर रहा है, तो आप पता कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले उसको जो है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी से रिलैक्स थोड़ा कर लो, रेपो एस्टेब्लिश कर लो, देन यू गो फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ साइको सोशल इश्यूज। यहाँ तक क्लियर है? यस सर।
ठीक है. सो देन नेक्स्ट इज हमारा इसमें फ्यूचर पर्सपेक्टिव. ये भी हमको ध्यान में रखना होगा कि जिसी कोई भी फील्ड है, कोई भी प्रोफेशन है, वो हमेशा इवॉल्व होता रहता है. कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि बस एक बार यू कास्ट द थिंग्स इन स्टोन एंड देन इट रिमेन्स लाइक दैट फॉर एवर, ऐसा नहीं होता. तो जो जो टेक्निकल स्किल्स और मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन है वो हमेशा रिफाइन हो सकते हैं, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. बस ऐसा नहीं होगा कि भाई ये रिपोर्ट आएगी तो इसको इससे कोरिलेट करके ये हो तो ऐसा लिख देना है, वो हो तो ऐसा लिख देना है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें देख लो, कॉन्ट्रडिक्टरी है तो फिर क्या करना है, वो इसका एक सेट पैटर्न है. ये मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन पर्याप्त नहीं है, दे आर नॉट सफिशियंट. इससे आगे की भी जो है हमें चीज़ें देखनी होंगी. सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है, जो क्लाइंट और क्लिनिशियन का जो इंटरेक्शन है, जिसमें दोनों का हाई लेवल का इन्वॉल्वमेंट और अंडरस्टैंडिंग, दोनों का बोला मैंने, क्लाइंट का भी जरूरी है. क्लिनिशियन तो खूब इन्वॉल्व है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगर क्लाइंट इन्वॉल्व नहीं है तो क्लिनिशियन कुछ नहीं कर पाएगा. तो ये भी एक जो है आस्पेक्ट है कि ध्यान रखने का रिपोर्ट राइटिंग. अब बात करते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव की. तो एक बड़ी सरप्राइजिंग बात यह है कि जो इस फील्ड में कि जो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं उस पर कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है. तो इसका रिसर्च बेस जो है बहुत वाइड किया जा सकता है, काफ़ी स्कोप है. जैसे फ्यूचर में कोई पीएचडी वगैरह करना चाहे, कोई रिसर्च करना चाहे, पीएचडी नहीं तो अदरवाइज भी कोई रिसर्च करना चाहे, तो ये एक बड़ा अच्छा फील्ड है, एरिया है जहाँ पर ज़्यादा रिसर्चेस नहीं हुई हैं. तो अब इसमें जो है क्या क्या जो है चीज़ें एक्सप्लोर करने लायक है, क्या क्या एवेन्यूज है जहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, तो वो है इंटरफेस बिटवीन रिसर्च एंड क्लिनिकल जजमेंट. कि हमने रिसर्च करके ये पाया कि ये चीज़ें से ऐसा होता है, लेकिन क्लिनिशियन कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, या हाँ ठीक है 50% केसों में ऐसा होता है लेकिन 50% में नहीं भी होता है. या ये भी कह सकता है क्लिनिशियन कि हाँ जो आपने कहा बिल्कुल सही है, या मैंने देखा है क्लिनिक में ऐसा होता है. तो ये रिसर्च क्या कहती है और क्लिनिकल जजमेंट क्या कहता है, इसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है. फिर साइकोमेट्रिक्स पे तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं रिसर्च की. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है तो उसको यूज़ करके तो बहुत एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है. जैसे मैं एक बात करूँ उसकी, अगर कोई स्क्रीन पे जैसे अभी हम देख रहे हैं तो आई ट्रैकिंग वाला लगाया जा सकता है सॉफ्टवेयर, तो वो हमारी आइज़ कहाँ कहाँ जा रही हैं वो उसको ट्रैक करेगा, एंड यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर एक पैटर्न हमें पता लग जाएगा कि किस टाइप के जो है वीडियोस में किसकी आई साइट कहाँ पे फोकस कर रही होती है. बेस्ड ऑन दैट अगर हम अलग अलग जेंडर के वीडियोस दिखाएं किसी को, तो हम ये जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं इवन बिफोर प्यूबर्टी कि ये जो है इंडिविजुअल आगे चल के गे या लेस्बियन बनेगा या नहीं बनेगा. सो ये भी साइकोमेट्रिक्स में इतना एडवांसमेंट आ रहा है और बहुत स्कोप अभी और बाकी है. तो पहले क्या हुआ करता था कि जो हमारे पास एक तो डाटा सफिशिएंट अवेलेबल नहीं होता था, और अगर डाटा किसी चीज़ में सफिशिएंट अवेलेबल है भी तो उसको कंप्यूटिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी कि इतने वास्ट डाटा को कोई कंप्यूट कर सके. लेकिन अब की बात करें तो सुपर कंप्यूटर्स आ चुके हैं और डाटा भी बहुत वास्टली अवेलेबल है, कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी भी हाई है और डाटा भी बहुत हाई है. तो अब साइकोमेट्रिक्स में जो है बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर में बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने की चीज़ें. फिर जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई चीज़ किसी का रिप्लेसमेंट नहीं होती है, वी हैव टू सी कि दोनों एक दूसरे को कैसे असिस्ट करते हैं. तो अब डाटा बहुत है अवेलेबल और बहुत एक्यूरेटली कंप्यूट किया जा सकता है, का मतलब ये नहीं कि क्लिनिशियन की कोई वैल्यू नहीं रह गई है. सो क्लिनिशियन और कंप्यूटर असिस्टेड इंटरप्रिटेशन, इनको कैसे बेस्ट वे में कंबाइन किया जाए ताकि जो है एक्यूरेसी आ जाए क्लिनिशियन के जजमेंट में, ये भी एक फ्यूचर जो है पर्सपेक्टिव है जो कि हम रिसर्च कर सकते हैं. तो इसी के बेसिस पे जो है हम यूजफुल रिपोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं. सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ द सेशन. सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग नाउ.